चर्चा एक खास पावर्ड बाय HTS सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड योर आईटी एंड सॉफ्टवेयर पार्टनर को पावर्ड बाय H2O H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल सैंडविच ग्रुप इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। आज हम चर्चा एक खास में बहुत ही खास चर्चा लेके आए हैं। आज है चर्चा सेलिब्रिटी और राजनीति। जी हाँ, जिन लोगों को हम पर्दे पर देखते हैं, जिन लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं या जिन लोगों को हम मानते हैं कि इनसे कुछ सीख मिलती है या हम कभी कभी उनको अपना एक आइडियल भी मान लेते हैं, उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ RP रतूड़ी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं, फिल्मी अभिनेता हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा पीयूष पंत जी आपसे कि जिस तरह से आज आप देखिए लगातार जो सेलिब्रिटी एक शब्द है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड का आदमी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा देखा गया है बीते दिनों लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी जो राजनेता करते थे, आजकल सेलिब्रिटी उस तरीके के हम कहेंगे एक तरीके से उनका रूप वो लेते नजर आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम भी उस तरीके के बयान दें तो उस पर तवज्जो दी जाए। लेकिन जैसे ही पीयूष जी उनके पीछे फिर नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं तो उसे लेकर वो बौखला जाते हैं, जो राजनेता जैसा संयम है फिर वो नहीं दिखता। कैसे देखते हैं आप आजकल सेलिब्रिटीज को, और वो कोई भी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की हो या स्पोर्ट्स की हो या किसी भी और किसी प्रोफेशन की हो। जी पीयूष जी, देखिए राजनीति में सेलिब्रिटीज ये बहुत पहले से बहुत पुराना है। मुझे याद आ रहा है 1960 से ही है, जब से जो बॉलीवुड से जो है जब पृथ्वीराज कपूर जी को पहली बार राज्यसभा में भेजा गया था नेहरू जी के टाइम में, तब से ये था। लेकिन पहले जो था कि जो सेलिब्रिटीज थे वो खासकर जो थे वो फिल्म जो नगरी है या जो वहाँ से ही लोग आते थे जिनको लाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे और भी जो विधाएँ हैं तमाम जो है, चाहे स्पोर्ट्समैन हो या उसमें जो है साहित्यकार हो या दूसरे या सिंगर है, अब तो सिंगर भी आने लगे हैं वो सेलिब्रिटीज बन के जो है पॉलिटिक्स में सीधे सीधा, क्रिकेटर्स आने लगे हैं, बहुत से आ गए। तो अब एक जो बहुत एक्टिव रूप में जो है वो सेलिब्रिटीज़ जो है वो एक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले तो था कि वो एक आपके मैसेंजर होते थे, आपकी किसी पार्टी के लिए कोई संदेश देते थे या कहिए कि इंडियन पॉलिटिक्स के या इंडियन डेमोक्रेसी के लिए संदेश देते थे। लेकिन अब सीधे सीधे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब तो इलेक्शन लड़ भी रहे हैं वो। और जो बात आपने कही निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए इसीलिए जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक तो ये हो कि मीडिया में क्या हो गया, अब जिस तरह से आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्चस्व जो पैदा हो गया है, तो उसमें एक बाइट भी आपकी आपको जो है खबर में ले आती है। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने को खबर में बनाए रखने के लिए इस तरह के जो है स्टेटमेंट वो वक्तव्य देते जा रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रही है कि धीरे धीरे हमने देखा है कि लगातार इधर कुछ सालों में जो है, पहले जो सेलिब्रिटीज होते थे वो एक पार्टी के लिए आप कह लीजिए या वो एक उस तरह से एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन अब वो सीधे सीधे जो है आइडियोलॉजिकल तरीके से जो है, पहले आइडियोलॉजिकली उतने वो नहीं होते थे जो सेलिब्रिटीज थे, वो एक सेलिब्रिटीज थे, उनके लिए पॉलिटिक्स में ये था कि फ़ायदा होता था उनका, लोगों में पॉपुलर होते थे, उस पॉपुलरिटी का फ़ायदा पार्टीज उठाया करती थी और वो जो है कि जो है सेलिब्रिटीज थे वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप किसके लिए जो है वोट डालिए, किसके पक्ष में। लेकिन अब जब सीधे सीधे जो है आपको मीडिया में एक बहुत बड़ा स्पेस मिलने लगा है वहाँ पे जो है, और एक लामबंदी होने लगी है, आप जो है खेमेबाजी जो शुरू हो गई है वो मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है सेलिब्रिटीज के बीच में भी होने लगी है। और वो जो है कि निश्चित रूप से उनका भी राजनीतिकरण हुआ है, उन्होंने भी उनके अपने फायदे के लिए अब ये होने लगा है कि अगर हम इस पार्टी के साथ हैं, इसके पक्ष में हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कल को हमें इसका फायदा मिलेगा। तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें धीरे धीरे जो है आप सेलिब्रिटीज को भी जो है बनाया जा रहा है। फायदे का गुणा भाग वहां पहले चलता ही था पीयूष जी, और जो ये फायदे का गुणा भाग है अब बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है। फायदे के लिए आप किस दिशा में चले जाते हो ये वो खुद भी नहीं जान पाते और उसका असर कितना व्यापक होता है ये भी वो देख नहीं पाते। RP रतूड़ी जी, जिस तरह अभी पीयूष पंत जी ने भी बोला कि राजनीतिकरण होना चाहिए, सबका सबको अधिकार है राजनीति करने का देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन
आप देखेंगे आरपी राठौड़ जी, पहले जो राजनेता थे वो भी हर चीज की मर्यादा को समझते थे, बयान देने से पहले उसका असर को वो जानते थे कि उसका असर कितना होगा और कितना शब्दों को तोलकर बोलना है, ये सारी चीजें होती आई हैं। लेकिन अब आप देखें कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर उसके पास उसका अपना है कि भाई ठीक है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो यूज हो जाते हैं और यूज करने के लिए फिर वही सामने आती है कि जिस तरीके से पार्टीबाजी खेमेबाजी दिखने लगती हैं, वो बड़ी गलत दिशा में जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि सेलिब्रिटी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है उनको भी, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो खुल के कीजिए, पर्दे के पीछे की राजनीति या उस तरीके की राजनीति की जिस चीज की आपको समझ ही नहीं है उस जगह आप जाके बैठ जाएं और ताली बजाने लगे। जी आरपी राठौड़ जी, गोस्वामी साहब, निश्चित तौर पर पहले राजनीति का हर दशक में हर 10 साल में इसका स्वरूप बदलता रहा। पहले जो राजनीति थी वो केवल लोग सेवा के भाव से, चमकने के भाव से नहीं आते थे, केवल सेवा की, मैं समाज की कैसी सेवा करूं। लेकिन 80 के बाद धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और राजनीति का थोड़ा सा संख्या बल में हो गया कि मेरी संख्या सदन में हो। अब वो मैं किसी एक दल की बुराई नहीं करूंगा, सभी दलों ने ये कहा कि सेलिब्रिटी का उपयोग कर लो केवल संख्या बढ़ाने के लिए। अब उनको चाहे वो विधायिका का ज्ञान हो विधायिका का ज्ञान न हो, धीरे धीरे हमारी राजनीति का गिरावट आई है। इससे क्या हुआ कि सेलिब्रिटी आया तो है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सके। हम संविधान में संशोधन करते हैं, संसद और विधानसभा काय के लिए होती है, कानून बनाने के लिए, लेकिन जो सेलिब्रिटी आते हैं धीरे धीरे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो केवल संख्या बढ़ा देते हैं बहुमत दिखाने के लिए, भीड़ तंत्र को जुटाने के लिए उनका उपयोग राजनीतिक दलों ने किया। और ये मैं कहूँगा, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जिनका उपयोग पहले प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बड़े अच्छे लोग जो है साहित्यकार हमारे जो फिलोसफर होते थे ये लोग राजनीति में आया करते थे और उससे हमारी सदन की गरिमा भी रहती थी और सदन में उनका उपयोग भी होता था। लेकिन आज तो धीरे धीरे केवल हर दल ने ये कोशिश करी कि हमारी सदन में संख्या बढ़ जाए। अब वो भीड़ कौन जुटा पाता है, तो भाई हमारे ये जो जी बिल्कुल ये भीड़ का जो खेल है आरपी राठौड़ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भीड़ के खेल का ही तो पूरा का पूरा खेल है पूरी राजनीति में, कि कौन नेता भीड़ जुटा पाता है या उसको कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रिटी का एक चेहरा चाहिए। पीयूष जी, लगातार आप भी देखते आ रहे होंगे कि जो बात में, क्योंकि राठौड़ जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बेबाक बोलते हैं और बड़ा साफ बोलते हैं, बात कुछ भी हो वो अपना वर्जन बड़ा क्लियर देते हैं, वो कोई भी चीज पर हम लगातार उन्हें देख रहे हैं, कोई भी बात हो तो वो बड़े क्लियर बोलते हैं, किसी भी चीज में वो भेदभाव नहीं करते। और आप देखेंगे पीयूष जी कि एक बात उन्होंने बोली है कि भीड़ जुटाने की आवश्यकता पड़ने लगी तब सेलिब्रिटी मैदान में उतर गए। तो इसे कितना आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि वास्तव में, और ऐसा नहीं है कि ये अभी, आप तो पहले ही कह रहे हैं कि 1960 से लगातार इस तरीके की चीजें आ रही हैं, लेकिन आजकल आप देखें कि केवल भीड़ जुटाना है और जब बयान की बात आती है तो मंच पर बहुत सारे लोग उस तरीके की हरकत कर देते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वो जिस मंच पर चढ़े हैं उस मंच का सम्मान कितना है और वो बोल क्या रहे हैं। जी, तो ये जो परंपरा पड़ी है पीयूष जी, इसे कैसे देखते हैं आप? जी नहीं, देखिए ये बहुत, मैं इसको अच्छी तरह अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक गरिमा होती है, आप किसी भी क्षेत्र से आते हो और भले ही आप बॉलीवुड से आते हो, लेकिन एक गरिमा होती है और राजनीति की भी अपनी एक गरिमा होती है, एक भाषा होती है और एक तरह का एक संवाद होता है जो आप जनता से करते हैं, उसकी एक मर्यादा होती है, एक भाषा होती है। और ये बात राठौड़ जी सही कह रहे हैं कि देखिए जो एक स्टार वैल्यू जो होती है सेलिब्रिटी की, वो स्टार वैल्यू इसलिए होती है कि वो पॉपुलर होता है जनता के बीच में, तो जब वो आता है किसी कहीं पे पहुंचता है, भाषण देने पहुंचता है, तो उसको सुनने से ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, इसलिए भीड़ उमड़ती है। और एक जो 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 पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट है वो चाहता है कि उसकी सभा में ज़्यादा भीड़ हो, वो ये राजनीतिक कमजोरी है
जब राजनीति कमजोर हो जाती है या जब जो राजनीतिज्ञ जो है उनका परफॉर्मेंस कहीं कमजोर पड़ जाता है, उनको भरोसा अपने आप पे नहीं रहता है, तो वो सेलिब्रिटीज का जो है सहारा लेते हैं भीड़ जुटाने में। मैं ये मानूंगा तो कहीं ना कहीं राजनीति कमजोर पड़ी, इसीलिए आप देखिए लगातार इस तरह की भीड़ बढ़ रही है। आप देखिए जैसे दिल्ली के चुनाव में हमने देखा लगातार क्रिकेटर्स को ले आए गए, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोई काम कर रहा है जनता के पक्ष का, क्या जनता के लिए कोई मैदान पे जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं वरना नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सीधे सीधे आप राजनीति में लाते हैं तो उनको लगता है बहुत से फायदे मिलते हैं, आप जो सत्ता के करीब आ जाते हैं उसके बाद आपको 10 फायदे होते हैं। और जब इस तरह की आप, लेकिन जो बात देखिए राजनीति में आप देखिए जिस तरह का भाषा का ह्रास हुआ है, जिस तरह के लोग राजनीति में आ रहे हैं, उसी तरह की जिस तरह से हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज का भी स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो चुका है। अब वो सेलिब्रिटीज में वो बात नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। एक जो गुरु गंभीरता होती है, अपनी कला के प्रति सम्मान होता है, कला के आधार पे आप जो एक सेलिब्रिटी बने हैं तो उसका एक आपको एक जो नैतिक प्रभाव होता है वो सब अब लोग छोड़ चुके हैं। और सीधे सीधे जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि कुछ स्वार्थ, कुछ लाभ के लिए, कि भविष्य में कुछ लाभ मिल जाएगा, वो इस तरह से जो है कि वक्तव्य देते हैं और हल्की बातें करते हैं। वो ये नहीं, लाभ का गणित बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, और इस लाभ के गणित को देखने के लिए ही तो पूरी राजनीति आजकल उसी मैं कहूंगा चश्मे से देखी जा रही है कि लाभ का गणित कहाँ से आए और कहाँ से फायदा हुए। जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।